5-year concepts. 5-year is a name of word place organization method that uses a list of 5 Japanese words: Seirin, Seitun, Seiso, Seketsu, and Suzuki. Translated into Roman spreads, they are all with the letter S. Come inside. The 5-year system is a lean manufacturing tool that improves workplace efficiency and eliminates waste. Managers and worker achieves greater organization, standardization and efficiency. Itni shanti classroom ki tarah lag hi nahi raha hai. Idiot. Aa gaya pink pen ke. Same pinch. Kitni achhi lag rahi hai. Iske paap ka college hai jo roz late aata hai. Aake baith jao. Okay, listen. Tudum tudum. Tudum tudum. Hey, chilla kyun rahe ho? Tudum tudum, madam. Stupids. Chup chup class mein dhyan do. Having a clean and organized warehouse is about just more than looking great. Hey. जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं. ए, मैं क्लास से बाहर जा रहा हूँ, तुम भी आ रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं आऊंगा. क्यों? माँ डांटेगी. माँ डांटेगी? अरे कौन से युग में जी रहे हो भाई? ए, मोटे. हाँ? क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं मैडम. गेट आउट. मुझे कॉलेज में समझने वाली बस एक ही ये टीचर है, एक जैसे कपड़े पहन के आती है. थैंक यू मैडम. ओके लिसन, इन सिंपल टर्म द 5-year मेथोडोलॉजी हेल्प्स आवर वर्कप्लेस मोर एफिशिएंटली. क्या बे, जब मैंने तुमसे कहा था तो मना कर दिया, अब यहाँ क्यों आए हो? नहीं, वो मेरी पेन. ओहो, तो तुम इसके लिए यहाँ तक आए हो? ये लो. माँ, कहाँ हो? कब से वेट कर रही हूँ. ऐसा करो, मेन गेट पर आ जाओ. कहाँ गए थे तुम? माँ, वो मैं बाथरूम गया था. ठीक है, बैठो. उस लड़की ने पहले ही नजर. क्लासरूम तो इधर है, ये जवान बच्चा किधर जा रहा है? ए, वहां क्या देख रहा है? उधर देख. क्या? वो लड़की. लड़की, मुझे बात करनी है. बात करनी है तुम्हें? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पेन तुम रख लो. इट्स पॉसिबल, बात करेंगे. टुडुम टुडुम. चलो. ए, अगर सच में तुम उससे बात करना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी. उसके लिए 3 शर्तें होगी. पहली, तुम्हें उसे फॉलो करते रहना होगा.
दूसरी, जब भी वो देखे तुम्हें मुस्कुराते रहना होगा। उफ़ो। टिडिम टिडिम। तीसरी, क्लास मिस करनी पड़ेगी मेरी तरह, समझ गए? पहले तुम ड्रेस चेंज करो यार। अरे मेरे बाप, अरे यार तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, अच्छा हुआ उसने तुम्हें देखा नहीं। चल निकल 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 यहाँ से, निकल। कपड़े बदलने के लिए कहा था, कार्टून की तरह आके खड़ा होने के लिए थोड़ी कहा था। गेटअप चेंज बोला तो कटप्पा बन के क्यों खड़े हो गए हो? मेरे दोस्त एक बात सच सच कहूँ, तुमसे ये लड़की कभी नहीं पटने वाली। टुडुम टुडुम। ए, प्लीज प्लीज। ए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बुक यार, ये वाले बुक वो रख दे। हाँ नहीं, हाँ यही है। अरे इसको रख दे रे, वो नहीं उसके पास वाली है वो दे। अच्छा हाँ हाँ वही दे दे, हाँ वही है। अच्छा अच्छा, इधर ये, चल चल चल, यही है ना। अरे चलना यार। ए, अरे हा? यार ए, वो पागल और मोटू हाथी इधर ही आ रहे हैं। हाँ अरे नहीं, आराम से मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कर, क्या कर रहा है यार। हाँ इजी इजी, कैजुअल कैजुअल, हाँ आराम से, क्या कर रहा है यार, आराम से जा, हिम्मत रख, कॉन्फिडेंसली जाके बोल, जा जा जा, हाँ बोल बोल बोल, जा 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 जा। ए, वो इधर ही आ रहे हैं। डर लगा तुझे, जा जा के बात कर, जाना यार। अरे हिम्मत कर हिम्मत कर, बोल दे। ये वाली है, ठीक है ना, चलो क्लास में चलते हैं। वो जो पास में आ रहे, पर तू ध्यान मत दे। तू जानती वो हमारे पीछे आ रहे हैं। ए, ये क्या है, मैंने तुझे क्या करने को कहा था और तू क्या कर रहा है? तू नहीं सुधरने वाला है, तुझसे ये लड़की कभी नहीं पटेगी, सच बोल रहा हूँ। हे, कहाँ जा रहा है, मत जा यार। नाम क्या है? नलन। ओके, कौन सा डिपार्टमेंट? मैकेनिकल। सुनिए, क्या है आपका नाम क्या है? कृति। हे, प्रे करो। क्यों? मेरे लिए तुमने प्रे किया है ना, वही काफी है।
सर्दी हुई थी ना? वो तो कब की चली गई? कब? वो कल रात तुमने कॉल किया था ना, उसी समय। अच्छा सुनो, कल मैं अपने गांव जा रही हूँ, इसलिए आज तुमसे मिलने आई। क्यों? पता नहीं, कोई फंक्शन है। सो पिताजी ने आने के लिए कहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम थोड़े दिनों के बाद भी तो जा सकती हो। अरे सॉरी यार, कोई फैमिली फंक्शन है, पिताजी ने अर्जेंट आने को कहा है, इसलिए। एनीथिंग इम्पोर्टेंट? नथिंग, संभल के जाना। ओके बाय बाय। वो चाहती तो मुझे धोखा भी दे सकती थी। डोंट एक्सपेक्ट मच मोर, यही मेरे लिए काफी है सच में। आज रुक जाओ प्लीज, कल चली जाना। अरे सॉरी यार, कोई फैमिली फंक्शन है, पिताजी ने अर्जेंट आने को कहा है, इसलिए। एनीथिंग इम्पोर्टेंट? नहीं। सरप्राइज। अरे सेल्फी ले रही है यार। Happy birthday to you, happy birthday dear Nalan, happy birthday to you. मुझे खिलाना। क्या? ये तू खा ले। बहुत पसंद है, मैं अपने किसी भी बर्थडे में इतना खुश नहीं हुआ। कमाल का सरप्राइज था। थैंक्स कृति। मैंने कहा था ना, एक्सप्रेस करने वाले को सरप्राइज करना मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसलिए ये सरप्राइज। हाय। हाय। नलन कहाँ है? ऊपर है। हाँ? ऊपर है। उफ़ पागल। हाय। नलन कहाँ है? ऊपर जा। हाँ? अरे ऊपर तो जा। क्या यार, इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? जा ना यार। स्वाति स्वाति। अब हम लोग चलेंगे। अरे पहले इन लोगों को अंदर जाने दे, फिर जाएंगे। ओके ओके। हाँ हाँ। चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। जिसे हम पसंद करते हैं उससे हमेशा बात करने का दिल करता है, पर वो बातें आंखों ही आंखों में होती हैं। ए, कहाँ लेके जा रहे हो? हे, बताओ ना। आओ ना। बताओ भी। आंख बंद करो। क्यों? आंख बंद करो। पर किस लिए? तुम आंख तो बंद करो। ठीक है। ओपन योर आईज। चेन्नई, मैं पहली बार उससे वहीं मिली थी, त्रिवेंद्रपुरम में। प्लेन शर्ट, स्टाइलिश दाढ़ी, मैनली लुक। नजर में ही वो मेरे मन को भा गया।
वो छोटी सी मुलाकात थी, पर सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ। वो वापस आया मेरे लिए तुरंत। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? कीर्ति। ओ कीर्ति, हेलो कीर्ति। व्हाट? आई लव यू। हे, तुम पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं किया। सोचो अगले 6 महीने तक बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, बाजार, सब जगह तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम्हारे घर के चक्कर काटूंगा, फिर तुमसे दोस्ती करूंगा, थोड़े दिन बाद अपने दिल की बात बताऊंगा, और 6 महीने सोचने के बाद मेरी बात मान लोगी तो टाइम वेस्ट करना ही हुआ ना। इसलिए आज से ही हाँ कह दो, हम एक दूसरे के हो जाएं, आज से ही हमारे प्यार की शुरुआत हो जाए। ऐसे प्रपोज करेगा तो भला कोई भी उससे मना कर सकता है क्या? नहीं ना। आंखें बंद करो। क्यों? क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज। ओके। हे, इसे हमेशा अपनी उंगली में पहने रखना ताकि मैं हमेशा तुम्हारी यादों में बसा रहूं। तो प्रिंसेस, मुझे भी इसके बदले रिटर्न गिफ्ट चाहिए, पर वो रिंग नहीं, 3 मैजिक वर्ड। उस दिन उससे मेरी आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। मैं जानती हूँ कि वो मुझे ढूंढकर उससे मिले जरूर आएगा, बस उसी का मैं इंतजार कर रही हूँ। आप चिंता मत करो, वो जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं ना। कुछ बताओगे क्या हुआ है? मुझे आपने ऐसा क्यों बनाया? कोई भी पसंद नहीं करता मुझे। आप कृति को जानती है ना, जो मेरे बर्थडे पे हमारे घर आई थी? मैं उससे प्यार करने लगा था माँ, पर वो किसी और से प्यार करती है, वो उसका इंतजार कर रही है,
जो इतने दिनों से मेरी दोस्त है, मुझे जानती है, वो मुझे पसंद नहीं कर रही, तो कोई मुझे कैसे पसंद करेगा? क्यों बनाया मुझे ऐसा मां? और क्या, चलो जाओ मां। तुम आजकल उस लड़की कीर्ति के साथ घूम रहे थे, मैंने देखा था। मैंने एक बार उसे अकेले में बात भी की थी, तब उसने बताया था कि पिछले एक साल से वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी चेन्नई में। तुम्हारा नाम क्या है? I love you. Close your eyes. Close your eyes. बंद करो ना। मुझे इसके बदले रिंग नहीं चाहिए, बल्कि मुझे 3 मैजिकल वर्ड्स सुनने हैं। कीर्ति से अपने प्यार का इजहार करके खुशी से वापस आ रहे थे। मैं उसे एक साल से ढूंढ रही हूं आंटी, मैं उसके लिए इस शहर में आई थी, मैंने उसी के लिए इस कॉलेज में एडमिशन भी लिया था। उसे पुरानी सारी बातें याद दिलाने के लिए उसे बात करना शुरू की, वो मुझे पहले जैसा चाहिए आंटी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ जानती हो? मैं
उसके एक्सीडेंट के बाद उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और उस ट्रीटमेंट के खत्म होते होते forgot his past because of his head injury. कुल मिला के वो कोमा स्टेज पर था. अब मैं उसे चेन्नई में नहीं रहने देना चाहती थी, जहां तक तुम्हारी पुरानी यादें तुम तक पहुंच सके. इसीलिए मैं तुम्हें अपने शहर ले आई, जहां तुम बड़े हुए थे. वापस तुम्हें बच्चे की तरह बड़े प्यार और डिसिप्लिन से पालने लगी. मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब कर रही थी, इसलिए खुद रोज तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाती थी और मैं ही तुम्हें वापस भी ले आती थी, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है. माँ, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है. माँ जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे खो देने के बाद उसे कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई. मुझे पुराना नलन चाहिए आंटी. वो उस नलन को देखना चाहती है जिसे वो चेन्नई में मिली थी. चल मेरे साथ. से पिछले एक साल से ढूंढ रही हूँ आंटी. मैं उसी के तलाश में इस शहर में आई थी. मैं उसके करीब आई क्योंकि मैं उसे पुरानी बातें याद दिला सकूं. मुझे यकीन था कि वो मुझे ढूंढ कर एक दिन मेरे पास जरूर आएगा.
आज मेरा बर्थडे बर्थडे नहीं है, पर मुझे तुमसे एक गिफ्ट चाहिए। वो रिंग नहीं, थ्री मैजिकल वर्ड्स।